बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर सैयद फिरोज। आज का जो हमारा कैप टू मतलब टैक्स प्रैक्टिसेस का लेक्चर नंबर टू है, जिसमें आपको पता होगा कि पहले जो हमने इस पर देखा था कि लेक्चर नंबर वन में हमने देखा था कि बेसिकली टैक्स क्या होता है, उसकी जी हमने डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था टैक्स ईयर, और उसके बाद हमने देखी थी टाइप्स ऑफ टैक्स ईयर। बेसिकली टैक्स ईयर कितनी टाइप्स का होता है, तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। इसमें था पहले पहले नॉर्मल टैक्स ईयर, फिर स्पेशल टैक्स ईयर, और उसके बाद ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। और इनमें हमने डिफरेंसेस देखे थे। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमने देखना है कि टैक्स की लैंग्वेज में पर्सन किसे कहते हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन क्या है, जहाँ पर टैक्सेस आर वेज इम्पोज ऑन एनी इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी। मतलब कि टैक्स आमतौर पर तीन किस्म के लोगों पर इम्पोज किया जाता है या लगाया जाता है। उनमें कौन कौन से तीन किस्म के लोग हैं? सबसे पहला है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद कोई भी एक अकेला शख्स। उसके बाद क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें मुख्तलिफ लोग मिलकर कोई एक स्पेसिफिक काम करते हैं। उसके बाद क्या है, कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब ये कि जब कोई इंसान कारोबार करे, वो कारोबार को अपने नाम पर नहीं बल्कि उसी कारोबार को उसके अपने नाम के ऊपर रजिस्टर्ड कराए, तो हम कहते हैं ये कंपनी है। इसके बाद हम डिटेल देखते हैं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ पर्सन क्या होती हैं। उसमें हमने देखना है कि इंडिविजुअल की डेफिनेशन क्या है, एनी सिंगल पर्सन। अब इससे क्या मुराद है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? ए चाइल्ड, ए बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। लेकिन जब किसी एक बंदे की बात होगी तो हम कहेंगे ये क्या है, इंडिविजुअल है। इसके बाद हमने क्या देखना है कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या एओपी क्या होता है। ये हमने पहले डिस्कस किया है कि जब मुख्तलिफ लोग मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसे बेसिकली पार्टनरशिप या फर्म भी कहते हैं, लेकिन टेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करते हुए एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही कहेंगे। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स डूइंग एनी स्पेसिफिक टास्क। अब पहला था इंडिविजुअल और ये क्या है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। अब वहां पर जो एक बंदा था वो एक काम कर रहा था, अब कोई और बंदा है वो कोई और काम कर रहा है, फिर कोई और बंदा है वो कोई और काम कर रहा है। अगर इस तरह के तीन इंडिविजुअल हैं जो तीनों मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, और हम कहेंगे ये तीन क्योंकि पूरा ग्रुप है तो हम इसे ए ओ पी कहेंगे, तो इस तरह से हम इसे ए ओ पी नहीं कहेंगे। अगर मुख्तलिफ एक दो तीन चार जितने भी लोग हैं सब मिलकर कोई एक काम कर रहे हो तो हम कहेंगे ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अगर मुख्तलिफ लोगों का मजमू है, कलेक्शन है, ग्रुप है, लेकिन हर बंदा अपना कोई अलग अलग काम कर रहा है तो हम कहेंगे ये क्या है, ये सारे इंडिविजुअल ही हैं पर्सनली। लेकिन अगर मुख्तलिफ लोग हैं मिलकर काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसके बाद क्या है, कंपनी। एनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 2017। वैसे कंपनी के मुख्तलिफ लॉज आए हैं, लेकिन जो रीसेंट है अभी कंपनी जिस रूल के तहत रजिस्टर्ड होती है वो कंपनीज एक्ट 2017 है, इसलिए डेफिनेशन में हमने डायरेक्ट वही लिखा है जो इस टाइम चल रहा है। वैसे पुराने दौर में और कंपनी बनाने के कानून थे जिनके तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती थी, तो कंपनी की डेफिनेशन में उन्हीं लॉज का लिखा जाता था कि जो फलां लॉज के तहत रजिस्टर्ड होंगे। अभी क्योंकि कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है तो उस कानून के तहत जो एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होगी तो हम उसे कंपनी की डेफिनेशन में इन्वॉल्व करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी होती हैं जिनके ऊपर टैक्स इम्पोज हो सकता है, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जहां पर जिसे हमने एक अलग ही क्लासीफाई कर दिया है अदर्स के नाम से, जहां पर फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट वगैरह है। तो यहाँ पर बेसिकली पर्सन की डेफिनेशन में बेसिकली तीन किस्म के लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एक कंपनी। एक बंदा है कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, इंडिविजुअल। तीन बंदे हैं या चार या जितने भी और सारे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये सारे इंडिविजुअल की डेफिनेशन में ही आएंगे।
हर पीपल्स में, लेकिन मुख्तलिफ लोग हैं वो सारे मिलकर कोई एक स्पेस पे काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप है या फर्म है। लेकिन एक बंदा या ज्यादा है वो कोई कारोबार वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उस कारोबार को उन्होंने अपने नाम रजिस्टर्ड नहीं कराया, बल्कि उस कारोबार को एक इंडिपेंडेंटली तौर पर रजिस्टर्ड कराया है कि इस कारोबार का जो भी हिसाब किताब होगा वो इसी कारोबार के नाम पर ही देखा जाएगा, तो हम कहेंगे ये क्या है, कंपनी है। अब यहां पर इंडिविजुअल के एग्जांपल थी, जिस तरह इसी तरह से पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की भी एग्जांपल है, जिसमें फार्म ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एनी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एनी ऑर्गेनाइजेशन फार्म अंडर फार्म लॉ, ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं। लेकिन इन एग्जाम्पल को जस्ट याद करना है, उनकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना कि ये बेसिकली क्या होती है, किस तरह से बनती है, ये जस्ट एक थ्योरी का पोर्शन है। और आपने यही याद रखना है कि एओपी के एग्जाम्पल में ये चीजें हैं, कंपनी के एग्जाम्पल में ये चीजें हैं, और इनमें से जिनकी एक्सप्लेनेशन जरूरत पड़ेगी वो इस चैप्टर में आगे डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये देखना है हमने कि क्लास ऑफ पर्सन क्या होती है। ये बेसिकली मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया था कि क्लास ऑफ पर्सन हम किसे कहेंगे। अब पहला क्या है, क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स, इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये वही बात है जो मैंने बताई है कि बेशक बहुत से लोग हैं, लेकिन बहुत सौ को तब समझा जाएगा जब वो कोई एक स्पेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, तो हम उनको यही समझेंगे कि वन बाय वन हर बंदा अपने आजादाना तौर पर एक इंडिविजुअल ही है। तो 20 लोग होंगे बेशक, लेकिन हर बंदा अलग काम कर रहा है, तो हम कहेंगे ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, जिसे क्लास ऑफ पर्सन में कहा जाएगा, ये क्लास ऑफ इंडिविजुअल है। लेकिन अगर 15 या 20 लोग हैं सारे एक ही काम कर रहे हैं, जो हम कहेंगे फर्ज करो ये एओपी है जिसका नाम है ए, इसके अलावा कोई और 15 से 20 लोग हैं वो सारे मिलकर कोई एक ही काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कोई और एओपी है, और इसे हम एओपी का नाम बी कह देंगे। फिर कोई और 15 से 20 लोग हैं वो सारे मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये कोई और एओपी है, जिसे हम बी का नाम दे देंगे। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ एओपी का ग्रुप है, ना कि मुख्तलिफ लोगों का। मुख्तलिफ एओपी का जब ग्रुप मिलेगा, किसी 15 से 20 लोगों का ग्रुप एक है, फिर कोई और ग्रुप है, फिर कोई और ग्रुप है, तो इस तरह से जब एओपी मुख्तलिफ आपस में मिल जाएंगी तो हम उसे कहेंगे क्लास ऑफ एओपी। इसके बाद एक पर्सन है जिसका नाम है असलम, अब उसने कोई कंपनी रजिस्टर्ड कराई हुई है। इसके अलावा कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी और कंपनीज में रजिस्टर्ड कराई हुई हैं, कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। अब जब किसी एक बंदे की कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है, फिर कोई और कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, फिर कोई और, कंपनी को जब इकट्ठा अगर हम कहें कि ये आपस में किसी भी मामले में इकट्ठे मिल गई हैं, या फिर हम कहें कि इस सिटी में इतनी कंपनीज हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, क्लास ऑफ कंपनी, इसे जिसमें ग्रुप ऑफ कंपनी शामिल होंगे। इसके बाद क्या देखना है हमने, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। रेजिडेंशियल का लफ्ज रेजिडेंट निकला है, तो रेजिडेंट किसे कहते हैं, रिहायशी को, मतलब कि एक बंदे को हम कैसे कहेंगे कि ये पाकिस्तान का रिहायशी है या नहीं है। अब इस चीज को चेक करने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, जिसे कहते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ पर्सन। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इस तरह से हमने देखा है कि पर्सन में कौन कौन शामिल थे, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, इसके अलावा कुछ चीजें थी जिनको हमने अदर्स में शामिल कर दिया था, लेकिन बेसिकली तीन ही है, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। अब इस तरह से उनका रेजिडेंशियल स्टेटस भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि पर्सन में इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे मालूम करेंगे, एओपी का कैसे करेंगे और कंपनी का कैसे करेंगे, और इसके अलावा जो बाकी है उनका। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल क्या है, इफ एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज आर मोर इन वन टैक्स ईयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हम ये नहीं चेक करेंगे कि वो अपनी जिंदगी में कितने दिन रहा है, हम जिस साल का कैलकुलेट कर रहे होंगे कि इस साल में वो पाकिस्तान का रिहायशी रहा है या नहीं, उस साल में उसके दिनों को काउंट करेंगे कि उसने पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे हैं। अब हम कहेंगे एक अकेला बंदा है तो बताओ ये पाकिस्तान का रिहायशी है या नहीं है। अब इस चीज को चेक करने के लिए हम ये पूछेंगे कि उसने पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज्यादा गुजारे हैं या नहीं गुजारे।
अगर तो उसने पाकिस्तान में इतने दिन गुजारे होंगे, 183 डेज से उससे ज्यादा, तो हम कहेंगे कि ये इस साल में जिसमें उसने 183 डेज या उससे ज्यादा गुजारे हैं, उस साल में ये बंदा रेजिडेंट है पाकिस्तान का, मतलब कि पाकिस्तान का रिहायशी है। इसके अलावा एक और बात आ जाती है, इधर कलेक्टिवली और सेवरली, मतलब कि चाहे मुसलसल रहा हो या आता जाता रहा हो, मतलब कि हम जब टैक्स ईयर 2020 की बात करते हैं तो ये यकम जुलाई 2019 से स्टार्ट हो चुका होता है और 30 जून 2020 पर एंड होता है। अब उस दौरान अगर हम पूछें कि एक बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो हम पूछेंगे कि जिसका आप पूछ रहे हैं फर्ज करो मिस्टर तस्लम का, वो यकम जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के दौरान 20 तक 183 डेज से उससे ज्यादा रहा है या नहीं। अब एक बंदा कहता है वो 183 डेज रहा तो है लेकिन मुसलसल नहीं रहा बल्कि आता जाता रहा है, लेकिन फिर भी साल के 365 डेज में से 183 डेज रहा है, हम कहेंगे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मुसलसल रहा है या आता जाता रहा है, उससे इतने दिन गुजारे हैं पाकिस्तान में तो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। इसके बाद हमने देखना है कि एक तो ये रूल हो गया किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस मालूम करने के लिए, इसके बाद दूसरा क्या है, एन एम्प्लॉय आर ऑफिशियल ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड एब्रॉड इन टैक्स ईयर, मतलब ये कि एक बंदा है जो वफाकी हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का मुलाजिम है, मतलब कि वो इस टाइम इमरान खान के अंडर काम कर रहा है या उस्मान बुज़दार के अंडर काम कर रहा है, लेकिन उसको इमरान खान या उस्मान बुज़दार ने पाकिस्तान से बाहर भेजा हुआ है कि आप वहां जाकर हमारा भी काम करें। अब वो चाहे पाकिस्तान से बाहर रह रहा है लेकिन वो क्या है बेसिकली, है तो एक ऑफिशियल बंदा, कोई ऑफिसर है गवर्नमेंट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट का या प्रोविंशियल का, तो भी हम उसे रेजिडेंट ही कंसिडर करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्या किसी बंदे का पाकिस्तान का रिहायशी होने के लिए आईडी कार्ड होना जरूरी है या नहीं, इसमें क्या है, सिटीजनशिप इज नॉट नेसेसरी फॉर डिटरमाइनिंग रेजिडेंशियल स्टेटस। जब हम किसी का डिसाइड करेंगे कि ये पाकिस्तान का रिहायशी है या नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान, क्या उसके पास आईडी कार्ड है या नहीं, हम ये देखेंगे कि वो एक टैक्स ईयर में कितने दिन पाकिस्तान में रहा है, अगर 183 डेज या उससे ज्यादा रहा है तो रेजिडेंट है, चाहे उसका आईडी कार्ड किसी और मुल्क का है या पाकिस्तान का, तो हम उस इन दिनों की बेस पर डिसाइड करेंगे कि वो पाकिस्तान का रेजिडेंट है या नहीं है। इसके बाद हमने क्या देखना है, रेजिडेंट एओपी, इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एओपी इज प्रेजेंट होली और पार्टली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन टैक्स ईयर, मतलब क्या हुआ कि एक एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप या फर्म है, अब उसका हमने देखना है कि वो पाकिस्तान की रिहायशी है या नहीं है, मतलब वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, उसके लिए हम ये दिन काउंट नहीं करेंगे कि 183 डेज या उससे ज्यादा या नहीं, उसके लिए हम क्या डिसाइड करेंगे, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ एओपी इज प्रेजेंट होली और पार्टली, जब पार्टनरशिप की मैनेजमेंट की बात होती है तो हम समझते हैं ये इसके पार्टनर्स की बात हो रही है, जब कंपनी की मैनेजमेंट की बात होती है तो हम समझते हैं ये इसके डायरेक्टर्स की बात हो रही है। पार्टनरशिप को मैनेज कौन करते हैं, उसके अपने पार्टनर्स, कंपनी को मैनेज कौन करते हैं, उस कंपनी के डायरेक्टर्स। अब यहां पर इसने लिख दिया है पार्टनरशिप में इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो समझ लो इसने क्या कहा है, किसकी बात हो रही है, ये पार्टनर्स की बात हो रही है। तो इफ पार्टनर्स ऑफ एओपी इज प्रेजेंट होली आर पार्टली इन पाकिस्तान, मतलब एक पार्टनरशिप है चाहे पाकिस्तान की है या बाहर की है, अगर वो एक टैक्स ईयर में चाहे उसके 10 पार्टनर हैं उनमें से कोई एक पार्टनर या सारे के सारे पार्टनर पाकिस्तान में उन्होंने कदम रखा है, चाहे कुछ लम्हों के लिए भी, अगर उन्होंने पाकिस्तान में कदम रख लिया है तो हम कहेंगे ये रेजिडेंट एओपी है। क्या अगर कोई एओपी पार्टनरशिप या फर्म, तीनों का एक ही मतलब है, उसकी जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली उसी के पार्टनर्स को ही उसकी मैनेजमेंट कहा जाता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो अब चेक करना है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। अगर उसकी मैनेजमेंट, मतलब उसके पार्टनर चाहे जितने भी हैं,
वो सारे के सारे पार्टनर्स या उनमें से इवन कोई एक पार्टनर भी पाकिस्तान में किसी टैक्स ईयर में जिसको डिस्कस कर रहे होंगे, पाकिस्तान में वो चाहे एक घंटे के लिए, एक दिन के लिए भी कदम रखता है, एक दिन भी गुजारता है, कुछ घंटे भी गुजारता है, अगर वो पाकिस्तान आ गया है तो हम कहेंगे ये क्या है, रेजिडेंट एओपी है। इसके बाद है रेजिडेंट कंपनी। तो जैसे मैंने अभी बताया है कि जब एओपी या पार्टनरशिप की बात होती है तो उसकी मैनेजमेंट से मुराद उस पार्टनरशिप के पार्टनर्स होते हैं, लेकिन जब कंपनी की बात होती है तो उसकी मैनेजमेंट में उस कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, तो यहां पर इसका क्या मुराद है, डायरेक्टर्स। वहां पर क्या था, कंपनी, और यहां पर डायरेक्टर्स। तो इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी इज प्रेजेंट होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम, दोनों का फर्क क्या है, यहां पर क्या था होली आर पार्टली, और वहां पर क्या है होली। वहां पर पार्टनरशिप या एओपी में ये था कि अगर 10 पार्टनर हैं उनमें से चाहे कोई एक पार्टनर भी आ जाता है तो वो रेजिडेंट होगा, लेकिन कंपनी के अगर 10 डायरेक्टर हैं, अगर वो 10 के 10 ही किसी एक टाइम में पाकिस्तान आते हैं टैक्स ईयर के दौरान, तब हम कहेंगे ये रेजिडेंट है। पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर भी चाहे आ जाता है तो भी अपनी वो एओपी को रेजिडेंट बना देता है, लेकिन किसी कंपनी को पाकिस्तान का रेजिडेंट तभी कहेंगे अगर उस कंपनी के सारे डायरेक्टर्स चाहे जितने भी हैं वो इकट्ठे किसी भी टाइम पर आ जाते हैं पूरे टैक्स ईयर में, तो हम कहेंगे ये कंपनी क्या है, अब रेजिडेंट है। इसके अलावा दूसरी क्या शर्त है, इफ ए कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड आर फॉर्म अंडर एनी लॉ इन्फोर्समेंट पाकिस्तान लाइक कंपनीज एक्ट 2017, ये वही बात है जो कंपनी की डेफिनेशन में आती है कि अगर कोई कंपनी पाकिस्तान में अब जो कंपनी लॉ बनाया गया है उसके तहत अगर रजिस्टर्ड है तो हम उसे कंपनी कह देंगे। इस टाइम कौन सा कानून चल रहा है कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए, कंपनीज एक्ट 2017। तो वो वही कह रहा है अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन कोई बॉडी कंपनीज एक्ट 2017 या किसी भी पाकिस्तान में कंपनी के लिए बनाए गए असूल के तहत रजिस्टर्ड है तो हम उसे क्या कहेंगे, ये रेजिडेंट कंपनी है। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल है, प्रोविंशियल आर लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, मतलब के पाकिस्तान के ओवरऑल जो प्रोविंसेस हैं, अब उन प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी एक रेजिडेंट कंपनी के तौर पर समझी जाएंगी। अब जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट है या केपी के गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है, अब ये पाकिस्तान के लिए क्या है, एक रेजिडेंट कंपनी के तौर पर समझी जाती है, और इसलिए लिखा है कि प्रोविंशियल। इसके अलावा क्या लिखे गए, लोकल गवर्नमेंट, लोकल से मुराद जो आमतौर पर काउंसलर होते हैं या नाजिम होते हैं ये लोकल गवर्नमेंट में आते हैं, तो किसी मुल्क की एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट रेजिडेंट कंपनी के तौर पर कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है रेजिडेंट अदर्स, इसका नाम रख दिया गया है, तो इसमें क्या आता है फेडरल गवर्नमेंट, मतलब जो इस टाइम इमरान खान की वफाकी हुकूमत चल रही है वो रेजिडेंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो इंडिविजुअल एओपी कंपनी के अलावा है, कुछ फोर्थ कैटेगरी है। लेकिन जो इस टाइम उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट चल रही है या आपके गली मोहल्लों में जो काउंसलर होंगे वो क्या होंगे, रेजिडेंट कंपनी की कैटेगरी में आएंगे। इस तरह से हमने ये देखा है कि रेजिडेंट बेसिकली स्टेटस किस तरह से होता है और इसको किस तरह से देखा जाता है। अब दूसरी क्या एग्जांपल है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी, वो तो क्या थी कि इस मुल्क का रिहायशी कौन हो सकता है, अब हमें ये देखना है कि कौन रिहायशी नहीं हो सकता। इसकी डेफिनेशन क्या है, ए पर्सन हु इज नॉट रेजिडेंट पर्सन इन टैक्स ईयर इज ए नॉन रेजिडेंट पर्सन। सबसे कम्प्लेक्स और टफ डेफिनेशन यही है कि जो कुछ पहले डिस्कस किया है अगर कोई इस पर पूरा नहीं उतरता तो वो नॉन रेजिडेंट है, चाहे इस मुल्क रिहायशी नहीं है, तो ये नॉन रेजिडेंट की सिंपल से एग्जाम्पल होगी। इसके बाद क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड इनकम टैक्स रूल्स 2002। टैक्स की बुक में आप अक्सर चीजें देखेंगे कि कहीं पर लिखा होगा सेक्शन का लफ और कहीं पर लिखा होगा रूल नंबर, तो इसमें क्या फर्क है। अब टैक्स से रिलेटेड जो एक बिल पेश किया गया था वो 2001 में पेश किया गया था और वो हमारे मुल्क का जो प्रेसिडेंट था 2001 में उसने पेश किया था। एक कोई बिल जो कौमी असेंबली या सेनेट से निकले और उसको दूसरा जो हाउस होता है, अगर नेशनल असेंबली यानी कौमी असेंबली से कोई बिल पेश होता है तो उसको सेनेट पहले एक्सेप्ट करता है, पास करता है, फिर वो प्रेजिडेंट उसे
एंड पे साइन करता है। लेकिन कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है जिसमें इतना टाइम नहीं है कि हम नेशनल असेंबली या सेनेट वगैरह से पहले कबूल कराएं, बल्कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट जो होता है वो कहता है कि बस मैं अपने तौर पर कोई ना कोई बिल पेश कर रहा हूँ ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये भी कोई इस तरह की सिचुएशन होगी कि टैक्स से रिलेटेड कोई बिल उस 2001 में जो पाकिस्तान का सदर था उसने बिल पेश कर दिया अपने तौर कि बस यही बिल है टैक्स से रिलेटेड, तो उसने 2001 में पेश किया। और जो सदर इमरजेंसी सिचुएशन में कोई बिल पेश करता है उसे क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। तो उसने 2001 में ऑर्डिनेंस पेश किया टैक्स से रिलेटेड, इसे उसका नाम होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। और अगले साल इस ऑर्डिनेंस से रिलेटेड टैक्स से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे मजीद, वो अगले साल दिए गए थे 2002 में, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? इनकम टैक्स रूल्स 2002। अब यहां पर डेफिनेशन क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की? ए बिल पास बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के टैक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया ए बिल पास बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 2001 रिलेटेड टू इनकम टैक्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। इसके अलावा रूल्स गिवन इन 2002 रिलेटेड टू इनकम टैक्स, वो यही बात है। ऑर्डिनेंस, दिस ऑर्डिनेंस कंटेन्स डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसके बाद रूल्स में क्या है? दिस कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ रूल्स। तो जब सेक्शंस की बात हो तो सेक्शन प्लान में ये डिस्कस किया गया रूल टैक्स से रिलेटेड ये उसूल है, तो जब सेक्शंस की बात होगी तो हम कहें कि ये डायरेक्ट उसी ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। लेकिन जब ये कहा जाए कि इनकम टैक्स रूल फलां कोई नंबर दिया गया हो तो हम कहेंगे ये जो अगले साल रूल पेश किए गए थे ये उनमें बात लिखी होगी। इस तरह से ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रूल 2002 में बेसिकली डिफरेंस था। तो आज हमने ये डिस्कस किया है कि टैक्स की लैंग्वेज में पर्सन किसे कहते हैं, इंडिविजुअल एओपी और कंपनी, और इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। फिर हमने उनका रेजिडेंशियल स्टेटस देखा है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एओपी और रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट अदर्स क्या होते हैं, और फिर नॉन रेजिडेंट की डेफिनेशन देखी है, और इसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इनकम टैक्स रूल्स 2002 इनको हमने डिस्कस किया है। सो होपफुली आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।